एक गरीब किसान का एक सुंदर सा गाय था। गाय प्रत्येक दिन गांव की अगल बगल में घास चरता था। गाय अधिकतर समय इधर उधर घूमता था। देखने से लगता था जैसे ये गाय किसी को ढूंढ रहा है। गाय का कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। यह बात गांव की सब लोगों को धीरे धीरे पता चल गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन गाय मैदान में घास चर रहा था। एक दिन बैल ने गाय से कहा, हमारी पिछली जन्म का बात तुमको याद है? हाँ जी, सब कुछ मेरे को याद है, इसीलिए तो मैं आपको ढूंढते हुए गाय का रूप में जन्म लिया हूँ। जब दुर्घटना में आपका मौत हो गई थी, गांव के लोगों ने मेरे को बहुत तकलीफ दिया और ताने भी मारे। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि हमेशा सोच रही थी जब मेरी मृत्यु हो जाए मैं आपका पास आ जाऊं। भगवान की इच्छा से वही हुआ। जब मेरा मृत्यु हो गई, जमराज जी ने मेरे से पूछे, तुम कहाँ पैदा होना चाहते हो? मैंने कहा, प्रभु मेरा पति जिस रूप में जिस जगह पर है, मेरे को उसी रूप में उसी जगह पर पैदा करवा दीजिए, इसीलिए आपका साथ मेरा भेंट हुआ है। किसी जन्म में अधूरा प्यार को पूरा करेंगे, हमको कोई अलग कर नहीं सकते। ठीक है, अभी तुम घर जाओ। फिर गाय अपने घर में वापस चले गए। कुछ दिन का बाद किशन बेटा की तबीयत बहुत खराब हुआ। छोटे मोटे इलाज में ठीक नहीं हुआ। बेटे की अच्छे इलाज के लिए ज्यादा पैसा का जरूरत पड़ा। बैल दुख भरी मन में पिछले जन्म की बात को सोचते हुए मंदिर का पास पहुंच गई। पैसा की अभी बहुत जरूरत है, इसीलिए हम गाय को बेचना चाहते हैं। हमारा बेटी जैसे गाय को बेचना नहीं चाहते हैं। कोई दूसरा रास्ता भी तो है नहीं, क्या करें? गाय अभी बच्चा दिया है, दूध भी देता है, कैसे उसको बेच दोगी? नहीं नहीं, ऐसा मत करो। आखिरी में किसान दूर दराज में एक लोगों के साथ बात करके गाय को बेचने के लिए निश्चित कर दिया। गाय को खरीदने वाला पैसा और एक टेम्पो लेकर किसान का घर आ गया। गाय दूसरा जगह जाना नहीं चाहता था, इसलिए हिचकिचाहट कर रहा था। खरीदार जबरदस्त करके गाय को गाड़ी में उठाया। तू चला जा, पीछे मुड़कर मत देख, मेरी खुद तू मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। तेरी बात याद करते करते मेरा काम तमाम हो जाएगा, तू मेरे को भूल जाओ, जहाँ भी रहो खुश रहो। बैल मंदिर के पास खड़ा हुआ था, कुछ अलग महसूस किया, फिर वे भागते हुए चला गाय की घर। बैल को लगा जैसे कुछ और घटाना होने जा रहा है, इसीलिए वह विचलित होकर रास्ता में दौड़ने लगा। गांव की बाहर बैल ने देखा, एक गाड़ी में गाय को खड़ा करके कोई आदमी ले जा रहा है, उसकी छोटी बच्ची भी उसके साथ है। ये देखकर बैल को बहुत क्रोध आया। बैल ने भगवान से कहा, प्रभु ये लोग हमको अलग करने के लिए क्यों इतनी कोशिश करते हैं? ये लोग हमको शांति से रहने नहीं देंगे। प्रभु सब तेरी इच्छा। दौड़कर आया और रास्ता में गाड़ी को रोका, आगे जाने नहीं दिया। गाड़ी का सामने खड़ा होकर बहुत लड़ाई किया, बहुत गिट गिटाया, माथा पिटा, अनुनय बीने होकर अनुरोध किया, फिर भी यह लोग नहीं सुने। अंत में कोई एक आदमी बैल को रास्ता से भगाया और गाड़ी वाला गाड़ी लेकर चला गया। बैल समझ गया था, मैं ये लोग को रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए बैल गाड़ी का पीछे पीछे भागा और उसी गाँव में पहुँच गयी। साहब इसको जल्दी उतारे, दूसरा सवारी है, मेरे को जाना है, जल्दी कीजिए। हाँ साहब जी। एक बैल ने रास्ता में गाड़ी को रोककर बहुत झमेला कर रहा था, उसको थोड़ा नजर रख लेगा और वो गाड़ी के पीछे पीछे भागकर आ रहा था। अपना बच्चा को लेकर अपने घर में जाओ, खुशी से रहो।
जैसे तुम्हारा मालिक तुमको रखा था, हम तुमको ऐसे ही रखेंगे, चिंता मत करो। आई की नए मालिक के घर चारों तरफ में बैल ने बार बार चक्कर लगाया। यह सब देखकर गाय का नया मालिक समझ गया था, ये बैल का गाय के साथ कोई पिछला प्रेम संबंध है, इसीलिए गाड़ी को रास्ते में रोक रहा था। बैल को इसका साथ रखने से अच्छा होगा, यह सोच कर गाय के मालिक ने बैल को भी अपना घर में रख लिया। गाय बैल अपने बच्चे का साथ खुशी और प्यार में रहने लगे। मालिक की भी गाय और बैल को बहुत प्यार करने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।